आज हम शेबुशी द्वितीय भाग दशम कक्षा संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको जंगी तुल बत्सला वाला जो अध्याय था वो मैंने आपको जो पाठ था वो पढ़ाया। आज हम उसी पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे समझे, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो माँ होती है वो समान रूप से प्यार करने वाली होती, जिसमें मैंने आपको जो किसान होता है ना, वो जो दो बैलों को जब खेत में जोतता है तो उसमें से एक जो निर्बल होता है वो गिर जाता है, आज उसी पाठ के हम प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, इसमें दिया हुआ है एक पद में उत्तर लिखा, एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे गृष्वा दीना इति जानन्नपि कः तम अनुदेयमानम् आसीत्, जो बैल दीन है वह जानते हुए भी कौन उसको हां करना था, तो क्या आएगा, कृषि का अर्थात किसान आकरा था। वृषवा पुत्र पापा, बैल कहाँ गिर गया था, तो बताइए जब वो कहाँ जोत रहा था, खेत में, तो क्या आएगा, क्षेत्र अर्थात खेत में। दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवती, दुर्बले कमजोर पुत्र पर किसकी अधिक कृपा होती है, तो किसकी होती है, जैसे कि मैंने बताया माता, माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है, तो माता। कयो एका शरीरेण दुर्बला आसीत, कौन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, तो बली वर्गयो, यानी दोनों बैलों में से एक था। चंडपाते मेघवश्य वैश्य सह कहा समझाया, तो प्रचंड वायु बादलों के गर्जन के साथ क्या हुई, प्रवर्षा, क्या होती है, वर्षा होती है। फिर है अधोलिंग का नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, जो प्रश्न उत्तर है उनके उत्तर आपको किस भाषा में लिखने होते हैं, संस्कृत में। समझिए इसको, जैसे दिया है कृषिका किम करोति स्म, कृषिका किम करोति स्म, तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो किसान था वो क्या कर रहा था, तो आपका उत्तर आएगा कृषिका बली वर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति स्म, जो किसान था वो बैलों को लेकर क्या कर रहा था, खेत जोत रहा था। माता सुरभि कथम अश्वम मुंचति स्म, जो माता थी जो सुरभि किस लिए आंसू बहा रही थी, तो भूमौ पतति स्वः पुत्रं दृष्ट्वा माता सुरभि अश्वम मुंचति स्म, माने जो पुत्र है उसको पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके वह क्या कर रही थी, सुरभि माता आंसू बहा रही थी भूमि पर गिरे हुए। फिर सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरं ददाति, सुरभि जो थी गाय उसने इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर दे दिया, तो सुरभि इंद्रस्य प्रश्न उत्तर ददाति, हे दासौ अहम पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा रोदमि इति, सुरभि इंद्र के प्रश्न का उत्तर देती है कि हे इंद्र मैं पुत्रों की दीनता को क्या करके देख करके रो रही हूँ, किसकी दीनता को, पुत्रों की दीनता को देख कर रो रही हूँ। फिर है मातु अधिका कृपा कस्मिन भवति, जो माता होती है माता की अधिक कृपा किस पर होती है, तो मातु अधिका कृपा दुर्बले सुते भवति, जो सबसे कमजोर बच्चा होता है ना, कमजोर पुत्र होता है, कमजोर बच्चा होता, तो माता की अधिक कृपा कमजोर पुत्र पर होती है। इंद्र है दुर्बल वृषवस्य कष्टानि आप परंतु किं कृत्वा, इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या किया, तो इंद्र दुर्बल वृषभ्यः कष्टानि अपाकर्तुं वृष्टिं कृत्वा, इंद्र ने दुर्बल बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या की, वर्षा की। जननी की दृष्टि भवति, जो जननी है वो कैसी होती है, तो माता कैसी होती है, जननी तुल वत्सला भवति, माता समान रूप से प्यार करने वाली होती है, कैसी रूप से, समान रूप से प्यार करने वाली होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किन दोनों की बातचीत है, तो देखिए इसमें क्या दिया, पाठे अस्मिन् यानी जो वो सुरभि है वो किसके प्रश्नों का उत्तर देती थी, तो किसमें संवाद चल रहा था, सुरभि और इंद्र में, तो पाठे अस्मिन् सुरभि इंद्र संवाद विद्यते, इस पाठ में सुरभि और किसकी, इंद्र की बातचीत होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ पर दिया है का स्तंभे दत्ता नाम पदा नाम मेलनम का स्तंभे दत्तई समानार्थक, कौन से पदई पुरुष समानार्थक,
स्तंभ में दिए गए, आप यहाँ पर खा स्तंभ में दिए गए समानार्थक शब्दों से कीजिए, मतलब जो मेल है कौन कौन से इसमें, जैसे इसमें दिया है खा स्तंभ है और ये खा स्तंभ है, पहले दिया है वृक्षेण, ठीक है ना, तो वृक्षेण का कहेगा कठिन नियम, ठीक कठिन नियम कठिन ये, फिर दूसरा दिया है चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम तो चक्षुभ्याम का आएगा नेत्रभ्याम, चक्षु माने नेत्र होते हैं, ठीक है, जमीन, जमीन का क्या आएगा भूगत्या इंद्र, ठीक है ना, इंद्र, इंद्र का क्या आएगा, क्या सुनी बोलती बासव करके संवाद करती है ना, तो बासव, पुत्र तो पुत्र क्या आ जाएगा इसमें सुता, सुता क्या आएगा सुतम, फिर आएगा शीघ्रम, ठीक है, तो शीघ्रम का क्या आएगा अचिरम, शीघ्रम का क्या आएगा अचिरम, फिर है बलिवर्धक, बलिवर्धक का क्या आएगा वृषभ, ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं, स्थूल पद्मावृत्त प्रश्न निर्माण के मोटे अक्षर मतलब जो शब्द दिए हैं उनके आधार पर आपको क्या बनाना प्रश्न का निर्माण करना है, जैसे दिया है सा प्रक्षेप भारम उद्भवती, वह कठिनाई से भार उठाता है क्योंकि वो दुर्बल रहता ना, अब इस तरह प्रश्न निर्माण करना है तो क्या आएगा सा कथम भारम उद्भवती, ठीक है ना, वह कैसे भार उठाता है, जाएगा यहाँ पर कथम, फिर है यहाँ पर स्वराधिप ताम अप्रक्षर, इंद्र ने उससे पूछा तो क्या आएगा कह, इंद्र ने उससे पूछा तो अपन को प्रश्न का निर्माण करना है ना, तो प्रश्न के निर्माण में क्या आएगा कह, यानी किसने ताम अप्रक्षर यानी किसने उससे पूछा, फिर है अयम अन्येभ्यो दुर्बला, अन्येभ्यो दो स्थूल मोटा शब्द यहाँ पे तो दिया उसके निर्माण करना है, वह दूसरों से कमजोर है, वह दूसरों से कमजोर, प्रश्न निर्माण क्या आया अयम केभ्यो दुर्बला, क्या आएगा अयम केभ्यो दुर्बला, यह किसने यह किनसे कमजोर है, यह आया जो केभ्यो आया इससे आपका क्या हुआ प्रश्न का निर्माण हुआ, ठीक, फिर है धैनु नाम माता सुरभि आसी, धैनु नाम माता सुरभि आसी, गायों की माता सुरभि थी, धैनु नाम ये आया स्थूल, आप प्रश्न निर्माण आया अपन को पूछ रहे किस मतलब किसकी यानी किनकी माता सुरभि थी, तो कासाम माता सुरभि आसी, तो ये जो प्रश्न बना ये क्या दुनिया है आपका कासाम, ठीक, इसके बाद आता है सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सतत स्मपि सा दुखी आसी, हजारों पुत्रों के होने पर भी वह दुखी थी, कैसे हजारों पुत्रों के होने पर भी वह क्या थी दुखी थी, तो प्रश्न निर्माण आएगा प्रश्न अपन को प्रश्न बनाना तो कतिशु यानी कितने पुत्रों के, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न निर्माण हो गया कतिशु पुत्रेषु सत्वस्वपि सा दुखी आसीत, यानी कितने पुत्रों के होने पर भी वह क्या थी दुखी थी, अब यहाँ पर देखिए दिया है रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेद विच्छेदम वापु, रेखांकित पद में यथा स्थान संधि या विच्छेद कीजिए, जैसे इसमें दिया है या रेखांकित जो पद दिए हैं यानी कि देखिए जैसे दिया ना तो संधि या तो उनको आपको बताना है कि ये जब जुड़ेंगे तो उनका शब्द क्या रहेगा या जो शब्द दिया है तो उनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि बताना है पूरा शब्द जोड़ करके और संधि विच्छेद, तो चलिए सबसे पहले दिया है कृषिका क्षेत्र कर्षक्रम पूर्वन धन आसी, तो क्या आएगा देखिए आप यहाँ पर पूर्वन नासी, क्या आएगा पूर्वन नासी, फिर है था तयोरेखा कृष्ण दुर्बला आसी, तो अभी भी ये जो तयोरेखा दिया इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो इसमें क्या जाएगा तयो धन एका, क्या जाएगा तयो धन एका ये दिया, ठीक है, फिर है तथा वृषभ न धन उत्थिता, अब इसको आपको क्या करना है जोड़ना है, शब्द क्या बनेगा जब जुड़ेगा शब्द बनेगा नोत्थिता, क्या बनेगा नोत्थिता, फिर है
सत स्वपि, इसमें जो दिया हुआ है सत स्वपि बहु बहुषु पुत्रेषु अस्मि वात्सल्यं कथम, ठीक है। तो अब इसमें जो दिया है शब्द उसका क्या लाएगा, सत्सु धन अपि, सत्सु धन अपि। अब इसके आगे तथा धन अपि धनाम धन एकास्मि इसलिए हम अनुभवामि, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, तथाप्य 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 मेत अस्मि, तथाप्य मेत अस्मि, ठीक है, ये शब्द आएगा। फिर है वेदौमि धन आपत्यानि संति, अब इसमें भी आपको पूरा शब्द बनाना है। तो बहुन्य क्या आएगा, बहुन्य पत्यानि, बहुन्य पत्यानि। सर्वत्र जलो सर्वत्र जलो पप्लवः संजाता, तो इसमें देखिए अब इसका संधि विच्छेद करना, जल धन उप उपप्लवः है ना, क्या आएगा, जल धन उपप्लवः, जल धन उपप्लवः, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम्, जो वाक रेखांकित है सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो देखिए स च अवदत् भो बासा अहम वृषम दुखिता अस्मि, तो ये किसके लिए, सुरभ्यै, ये किसके लिए है, सुरभ्यै है ना। फिर है पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिनी, तो यहाँ भी किसके लिए आएगा, सुरभ्यै। सा दीनः इति जानन अपि कृषिकः तं पीड़यति, ये वृषभाय, क्या आएगा, वृषभाय। मे बहुनी आपत्यानि सन्ति, तो यहाँ भी क्या आएगा, सुरभ्यै। आप सहचाताम एवं आसान यत इंद्राय के लिए, इंद्र के लिए सहस्रेषु पुत्रेषु सत सत स्वापि तव अस्मि प्रीति सह अस्ति, यहाँ पे किस चीज के लिए क्या आएगा, सुरभ्यै, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, रेखांकित जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो ये इसमें आपको दिए गए। चलिए आगे पढ़ते हैं, आप देखिए यहाँ दिया है काय स्तंभे विशेषण पद लिखम काय स्तंभे पुनः विशेष पदम तयो मिलन, मैंने काय स्तंभ विशेषण शब्द लिखे काय स्तंभ पुनः विशेष तुम्हारा मिलान का, तो ये काय स्तंभ और काय स्तंभ अलग अलग दिए हैं। तो कश्चित, ठीक है ना, कश्चित इसमें क्या आएगा, कृषिका दुर्बलम, दुर्बल का क्या आएगा, दो वैध था उसका ना वृषभम। फिर वृद्धा, वृद्धा का क्या आएगा, कृषि वाला। सहस्री केशु, सहस्री केशु का क्या आएगा, पुत्रेशु। फिर आएगा अभ्यंता यानी कृपा। फिर दिया है विस्मिता, विस्मिता का क्या आएगा, आंडला तुल्यवत्सला, तुल्यवत्सला का क्या आएगा, जलिए। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको जो जननी तुल्यवत्सला वाला जो पाठ था उसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ाया समझाया, आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में इसको लिखेंगे और परीक्षा के लिए याद करेंगे। धन्यवाद।